हेलो गाइस, वेलकम टू चंद्रा इंस्टीट्यूट अलाहाबाद। चलिए, आपके समक्ष कुछ क्वेश्चंस हैं और आप इन्हें टेस्ट के रूप में ले सकते हैं, देख सकते हैं। हिंदी शिक्षण से संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं। इस तरह के प्रश्न आपके हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश, ये तीनों पार्ट्स के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो देखिए, वन बाई वन क्वेश्चंस आपके समक्ष है, आप आंसर देने का प्रयास करेंगे, कमेंट भी करेंगे और एक एक प्रश्न की व्याख्या भी मैं कर दे रहा हूँ। बहुत ही स्टैंडर्ड, बहुत अच्छे प्रश्न मैंने स्वयं अपने प्रयास से ये क्वेश्चन बनाए हैं। इसमें से कुछ क्वेश्चंस आपके परीक्षाओं में भी आए हुए हैं, एग्जाम्स में भी आए हुए हैं। तो चलिए देखिए, फर्स्ट प्रश्न आपका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है, भाषा विकास के संदर्भ में असत्य कथन है। भाषा विकास के संदर्भ में असत्य कथन है, कौन सा एक कथन असत्य है? तो देखिए, ऐसे प्रश्नों में आपको सबसे पहले तो टिक कर लेना चाहिए कौन से सत्य हैं, है ना, आपको टिक कर लेना चाहिए कौन से सत्य हैं। और एक जो सत्य नहीं रहेगा वो खुद ही आपका ये मार्किंग हो जाएगा। ओके, तो ये तरीका होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट आपके समक्ष दिया गया है, बालक भाषा का प्रयोग भाषा के आकलन के बाद कर पाते हैं। देखिए इस पॉइंट को समझिएगा, जब बालक से कहा जाता है कि मम्मी के पास जाओ, पापा के पास जाओ, बेटा पानी ले लो, तो बेटा पानी ले लेता है, पी लेता है, मम्मी के पास चला जाता है, पापा के पास चला जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि वो आकलन कर ले रहा है, पानी का आकलन कर ले रहा है, मम्मी का आकलन कर ले रहा है, पापा का आकलन कर ले रहा है। यानी आकलन पहले कर पाते हैं और प्रयोग बाद में। मम्मी पापा का प्रयोग, शब्दों का प्रयोग जो है बाद में कर पाते हैं, लेकिन उन शब्दों का आकलन पहले कर लेते हैं। तो बालक भाषा का प्रयोग भाषा के आकलन के बाद कर पाते हैं। अब आप बताइए, कथन सही है या गलत है, बोलिए। ये कथन क्या है? सही है, बिल्कुल। तो जो स्टेटमेंट आपको बताया गया कि भाषा के आकलन के बाद, यानी भाषा का आकलन पहले कर लेंगे और उनका प्रयोग जो है बाद में, राइट, ये आपका पहला जो स्टेटमेंट है वो सही है, यानी ये आपका उत्तर नहीं हो पाएगा। देखिए, दूसरा आपका जो दिया गया है इसके संदर्भ में आप समझिएगा, मैं एक उदाहरण पहले आपको दे रहा हूं। जैसे जब बालक से ये कहा गया कि पानी लाओ, पानी ले लो बेटा, मम्मी के पास जाओ, पापा के पास जाओ, यहां पे समझिएगा बात को, यहां पे सबसे पहले क्या हो रहा है कि बालक शब्दों को समझ रहा है, मम्मी के पास चला जा रहा है, शब्द को समझ रहा है, लेकिन मम्मी शब्द का प्रयोग, पापा शब्द का प्रयोग बालक कई महीनों बाद जाके कर पाता है, लेकिन मम्मी के पास तो पहले ही चला जाता है ना। इसका मतलब यह है कि शब्दों का समझना और शब्दों का प्रयोग, इन दो वर्ड की बात की जाए तो पहले कौन घटित होता है? बालक शब्दों को पहले समझने लगता है, लेकिन शब्दों का प्रयोग जो है बाद में कर पाता है, बाद में कर पाता है। अब देखिए यहां का क्या कर रहा है, बालक में शब्दों को समझना और शब्दों का प्रयोग एक साथ होता है, तो एक साथ नहीं होता। देखिए ये वाला आपका उत्तर होगा, अब यहीं पे आपको उत्तर मिल गया, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैंने जैसे आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि जो ये वाले होंगे, क्योंकि प्रश्न क्या पूछ रहा है, असत्य कथन कौन सा है, तो यही असत्य कथन है। अब आपका आपको उत्तर मिल गया। देखिए यहां भी देखिए क्या कर रहा है, बालक शब्दों का प्रयोग शब्दों को समझने के बाद कर पाते हैं। देखिए स्टेटमेंट ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बहुत ही स्टैंडर्ड, बहुत अच्छे प्रश्न बनाए गए हैं। लास्ट तक वीडियो देखिएगा, इसी तरह के प्रश्न सीटेट अपने परीक्षाओं में पूछता है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। देखिए, बालक शब्दों का प्रयोग शब्दों को समझने के बाद कर पाते हैं, तो यह कथन सही है या गलत है? मैंने आपको समझाया कि भाई शब्द का प्रयोग जो है बालक शब्दों को समझने के बाद, बालक पहले शब्दों को समझते हैं, मम्मी के पास जाओ, पापा के पास जाओ, पानी ले लो, तो वो बालक समझ गया पानी, मम्मी पापा, लेकिन पानी शब्द का प्रयोग, मम्मी पापा शब्द का प्रयोग बालक कई महीनों बाद जाके कर पाता है, तो आप ये स्टेटमेंट भी क्या है, सही है। तो यहां पे आपका जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन के हिसाब से कौन इस संदर्भ में असत्य है, तो असत्य ये है, असत्य कथन ये है, शब्दों को समझना
और शब्दों का प्रयोग एक साथ होता है, ऐसा नहीं होता है। बालक पहले समझता है और कई महीने बाद जाके शब्दों का प्रयोग कर पाता है, ये बात है। मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको समझ में आ गया होगा। आप वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, जरूर आपको बेनिफिट होगा, फायदा होगा। ओके गाइस, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। दो वर्ष के बालक के शब्द भंडार होते हैं। देखिए, दो वर्ष के बालक के शब्द भंडार कितने होते हैं? 272। समझिएगा, 8 महीने तक के बालक में शब्द भंडार का अभाव होता है, यानी जीरो होता है। 9वें और 10वें महीने बालक में एक शब्द भंडार, सिंगल, केवल एक वर्ड सीख पाता है, और 1 साल में बालक 3 शब्दों को सीख पाता है, और 2 साल में बालक 272 शब्दों को सीख पाता है। ठीक है, देखिए ये तो यार एक आकलन है, एक अलग अलग तमाम मनोवैज्ञानिक होते हैं, उनके आकलन होते हैं। तो अगर आपको एक बात और बता दें, अगर आपको 272 न दिया गया हो, मैं एक दूसरा वर्ड भी दे रहा हूँ, ठीक है, अलग अलग वैज्ञानिकों के आकलन हैं जो हैं, मैं एक दूसरा वर्ड भी दे रहा हूँ। अगर आपको कहीं पे 50 वर्ड दिखाई पड़े, देखिए मैं अलग अलग वैज्ञानिकों के आधार पर चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। 2 वर्ष के बालक का शब्द भंडार होता है, सबसे बेहतर आंसर है 272, और इसके बाद अगर ये ना मिले तो आप दूसरे विकल्प के तौर पे आप 50 वर्ड को लेंगे, ये आपको बता दे रहे हैं, मतलब 172 और ये सब नहीं लेंगे। ये मतलब वैज्ञानिकों, मनोवैज्ञानिक जो हैं उनके आकलन जो दिए गए हैं उसके आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ, उनके जो आंकड़े दिए गए हैं उसके आधार पे मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो फर्स्ट स्टेज में आप 272 लेंगे, अगर 272 नहीं मिलता है तो आप किसे लेंगे, सीधे 50 वर्ड को ले लेंगे, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये इसके प्रूफ और प्रमाण फिर मैं आपको दूंगा, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी फिर आप इसके लिए मुझसे आप प्रूफ और प्रमाण ले सकते हैं, राइट। मैं कोई बात बोल रहा हूँ इसका मतलब उसका प्रमाण देने की स्थिति में हमें होना चाहिए, राइट, ज़रूरत पड़े तो ये ध्यान दीजिएगा। ओके, ये सटीक वर्ड्स रहेंगे। चलिए इसके बाद तो यार देखो होता क्या है ना, मान लो 272 नहीं दे रहा है, नज़दीकी कोई वर्ड दे रहा है, 270 दे दिया, वो नज़दीकी वर्ड को फिर ले लिया जाता है। लेकिन ये हमने आपको फर्स्ट स्टेप पे ये और सेकंड पर ये, इसके बाद आप इसके नज़दीकी वर्ड पे आप जा सकते हैं। मैंने आपको 3 चीज़ें बता दी, अब आप समझ गए होंगे कि मतलब कितना आकलन करके हम आपको कितना स्पष्ट आपको आप उत्तर दे सकें, कितना अध्ययन किया गया होगा, कितना परिश्रम किया गया होगा, तब जाके इतनी बारीकी से चीज़ें हम आपको बता पा रहे हैं, राइट। तो इस स्थिति में मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहला तो आप 272 2 वर्ष के बालक में, दूसरे स्टेज में आप 50 लेंगे, और तीसरे स्टेज में 272 और 50 आपको नहीं मिलता है, तीसरे स्टेज में आप 272 के आसपास का कोई भी नंबर आपको दिखाई पड़े उसे आप ले सकते हैं। ये चलिए नेक्स्ट आप देखिएगा, 1 माँ भोजपुरी बोलती है, ऐसे बालक की मातृभाषा है। देखिए, 1 माँ भोजपुरी बोलती है, ऐसे बालक की मातृभाषा, बहुत सारे लोग भोजपुरी लगाकर चले आएंगे, गलत उत्तर होगा। याद रखिएगा, मातृभाषा कभी भी बोलियां नहीं होती हैं। अरे यार ये भोजपुरी हो गया, अवधी हो गया, ये हिंदी भाषा की बोलियां हैं, और जो किसी भी भाषा की जो बोलियां होती हैं वो मातृभाषा नहीं होती हैं, कभी नहीं होती हैं, राइट। हाँ, ये ध्यान दीजिएगा, तो भोजपुरी अवधी नहीं, भोजपुरी अवधी कि मेन भाषा किससे भोजपुरी अवधी का जन्म हुआ, हिंदी से जन्म हुआ। तो यानी 1 माँ अवधी बोलती है, ऐसे बालक की मातृभाषा क्या होगी, हिंदी आप लगाएंगे। 1 माँ अवधी भोजपुरी बोलती है, ऐसे बालक की मातृभाषा होगी, तो आप क्या टिक करके आएंगे, हिंदी टिक करके आएंगे, ध्यान रखिएगा, क्योंकि हिंदी का ही रूप क्या होता है, भोजपुरी और अवधी। तो यहाँ पे आप भ्रमित मत होइएगा, यहाँ आपका उत्तर जो होगा वो हिंदी होगा। याद रखिएगा ये पॉइंट, कभी भी जो बोलियां होती हैं किसी भाषा की वो मातृभाषा नहीं होती हैं। ओके, इनके और भी स्पष्टीकरण हम अपने क्लासेस में और भी डिटेल में अपने क्लासेस में बताते हैं। आपने अगर हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन की हैं तो इनको और भी डिटेल में हम तथ्यों को, ऑफलाइन क्लासेस में तथ्यों को और भी स्पष्ट करने का प्रयास किया जाता है। देखिए यहाँ पे बालक स्वर तथा व्यंजनों का प्रयोग करने लगता है, तो बालक स्वर तथा व्यंजनों का प्रयोग करने लगता है 20 सप्ताह में, ध्यान दीजिएगा 20 सप्ताह में यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा। चलिए कुछ स्टेटमेंट लेते हैं, किसके अनुसार बालक शब्दों के प्रयोग
से पहले शब्दों का आकलन कर लेते हैं। देखिए ये इस संदर्भ में हमने बातें अभी की आपसे, और यहाँ पे किसने ये स्टेटमेंट दिया था ये भी प्रमाण के साथ हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट यानी बालक शब्दों का प्रयोग, शब्दों के प्रयोग से पहले शब्दों का आकलन कर लेते हैं, वही बात है मम्मी पापा पानी, इन शब्दों का आकलन कर लिया बालक ने। प्रयोग तो कई महीने बाद, बोल तो कई महीने बाद कर, कई महीने बाद वो बोल पाते हैं, लेकिन आकलन पहले ही कर लेते हैं, ये बात है बिल्कुल। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, तमाम जो इष्ट मित्र फ्रेंड्स हैं उनको बताना मत भूलिएगा, क्योंकि जब कर भला तो हो भला, दूसरों के लिए अच्छा सोचेंगे तो ज़रूर अच्छा होगा, आपके साथ अच्छा होगा, ऐसी शक्तियाँ कार्य करने लगेंगी कि आप एग्ज़ाम में अच्छा कर जाएंगी। और जब आपके अंदर निगेटिव सोच है अरे यार, तो कहने का मतलब अरे में चले जाएंगे, कुछ ऐसा गड़बड़ हो जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, अच्छी सोच के साथ आपके अंदर आपके इरादे नेक होने चाहिए, अच्छी सोच के साथ आपको आगे बढ़ना है बिल्कुल। चलिए आप नेक्स्ट देखिए, किसके अनुसार मानसिक विकास के लिए मातृभाषा उसी प्रकार आवश्यक है जिस प्रकार शारीरिक विकास के लिए माँ का दूध। ये प्रश्न आपका सीटेट में आ चुका है, और ये स्टेटमेंट किसका है, महात्मा गांधी का। मातृभाषा के संदर्भ में कोई कथन आ जाए और आपको उत्तर न मिल रहा हो तो मैं आपको ट्रिक बता दे रहा हूँ, आप किसको लगा के आइएगा, महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी ने मातृभाषा के संदर्भ में बहुत सारी कथन स्टेटमेंट बातें कही है, इसलिए अगर आपको कुछ भी दिमाग नहीं काम कर रहा है तो महात्मा गांधी पे जाइए सीधे, ये स्टेटमेंट तो आपकी परीक्षा में आ भी चुका है, राइट। चलिए, वाइगोस्की के यमकेओ में कौन नहीं आता, यमकेओ का मतलब हो गया मोर नॉलेजिएबल अदर, यानी अधिक ज्ञानवान दूसरा, अधिक ज्ञानवान दूसरा में कौन आ सकता है भाई, समवयस्क आ सकते हैं, यानी पियर्स जिसको बोलते हैं, समवयस्क पियर्स, साथी, हम साथी। बालक से अधिक ज्ञानवान व्यक्ति, बालक से अधिक ज्ञानवान दूसरा व्यक्ति, इसका अर्थ ही हुआ मोर नॉलेजेबल अदर। एडल्ट व अध्यापक ये भी आ जाएंगे, बालक से कम ज्ञानवान व्यक्ति ये नहीं आएगा। देखिए वाइगोस्की महोदय क्या कहते हैं कि बालक उनसे सीखना पसंद करते हैं जो जो बालक से अधिक, उस बालक से अधिक ज्ञानवान हो। ये बालकों का नेचर होता है, बच्चों का नेचर होता है, वो उनसे सीखना पसंद करते हैं जो उस बालक से अधिक ज्ञानवान हो, मतलब बालक यमकेओ से सीखना पसंद करते हैं। हाँ, मोर नॉलेजेबल अदर, अधिक ज्ञानवान दूसरा, ये अधिक ज्ञानवान दूसरा पड़ोसी भी हो सकता है, समाज का कोई भी व्यक्ति हो सकता है, माता पिता हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, समवयस्क हो सकते हैं, एडल्ट हो सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा भाई, बालक से कम ज्ञानवान व्यक्ति यमकेओ के अंतर्गत नहीं आएगा। प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा दी जानी चाहिए मातृभाषा, मानक भाषा एवं बी दोनों क्षेत्रीय भाषा। देखिए प्राथमिक कक्षाओं में ये प्रश्न आपके परीक्षा में आ भी चुका है, प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा दी जानी चाहिए मातृभाषा, मानक भाषा, यहाँ पे ए व बी दोनों आ जाएगा, समझिएगा थोड़ा सा। मानक भाषा का तात्पर्य उस भाषा से है जो राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त भाषा होती है, तो भाई उस भाषा का प्रयोग तो करना ही पड़ेगा। अब आप बताइए कहीं किसी क्षेत्रीय भाषा में, मान लीजिए किसी क्षेत्रीय भाषा में प्रयोग किया जा रहा है, पानी लई ल, पानी लई ल, अब बताओ विद्यालय में ये पढ़ाया जाएगा पानी ले ले, माता ये प्रयोग कर रही है तो ये तो नहीं, पानी ले लो बेटा, वाटर ले लो। तो कहने का मतलब आप विद्यालय में जो आप पढ़ाएंगे वो मानक भाषा का प्रयोग है, पानी ले ले भोजपुरी अवधि का प्रयोग नहीं करेंगे आप, राइट। ये बात अब आपको समझ में आ गई होगी कि आप भोजपुरी अवधि का प्रयोग नहीं करेंगे बल्कि मानक भाषा का प्रयोग करेंगे, या यूं कहें कि जो मानक भाषा होती वो आपकी मातृभाषा होती है। तो मातृभाषा का जो निर्धारण किया जाता है वो एक्चुअल में उस राज्य का जो मानक भाषा होता है, जो मानक भाषा होता है वो मातृभाषा को ही स्पष्ट करता है। तो यहाँ पे ए व बी दोनों, ये ध्यान रखिएगा, क्षेत्रीय भाषा नहीं होगा, क्षेत्रीय भाषा नहीं होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। तो मेरे ख्याल से अगर आपको केवल मातृभाषा दे दे तो मातृभाषा, केवल मानक भाषा दे दे तो मानक भाषा, और अगर मान लीजिए ए व बी दोनों करके दे रहा है तो ये दोनों, मातृभाषा और मानक भाषा दोनों,
परीक्षा में ये प्रश्न आ चुका है, ठीक है, ये आया हुआ था मातृभाषा, उसमें केवल दिया गया था, मैंने प्रश्न को दूसरे तरीके से बना दिया आपने, ठीक है, मैंने प्रश्न को उसमें केवल दिया गया था कि प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा दी जानी चाहिए, तो केवल मानक भाषा नहीं था विकल्प में, केवल मातृभाषा था, तो क्या हो जाएगा, मातृभाषा हो जाएगा, मान लीजिए मातृभाषा नहीं रहेगा तो मानक भाषा हो जाएगा, लेकिन दोनों दिया गया है तो आपका द बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए व बी दोनों, ये बात है। चलिए अब देखिए एल ए डी की अवधारणा किसने दिया, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की अवधारणा किसने दिया, तो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की अवधारणा किसने दिया था, भाषा अर्जन यंत्र, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस यानी भाषा अर्जन यंत्र की बात नॉम चॉम्स्की महोदय ने किया था। भाषा अर्जन यंत्र के माध्यम से उन्होंने एक कल्पना किया कि बालक के मस्तिष्क में कुछ ऐसा होता है जिसे एलएडी कहते हैं, और इसको दो भागों में बांटा, एक गहरी संरचना, एक सतही संरचना। गहरी संरचना के द्वारा बालक अपने भाव और विचारों को व्यक्त करता है, और सतही संरचना के द्वारा बालक वाक्य और शब्द का निर्माण करता है, वाक्य और शब्द का निर्माण करता है। यह कल्पना किसने किया, नॉम चॉम्स्की ने, उन्होंने यह कल्पना एक अवधारणा दिया, तो एलईडी की बात किसने किया, नॉम चॉम्स्की ने, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, स्किनर ने बल दिया, स्किनर ने किस पे बल दिया, अनुकरण, साहचर्य, पुनर्बलन, उपर्युक्त सभी। देखिए यहां पे स्किनर ने मतलब भाषा विकास के क्रम में तीन पॉइंट पे जोर दिया, पहला पॉइंट है अनुकरण, दूसरा पॉइंट है साहचर्य यानी एसोसिएशन, और तीसरा पॉइंट है पुनर्बलन यानी री इन्फोर्समेंट। फर्स्ट पॉइंट है अनुकरण यानी इमिटेशन। देखिए स्किनर महोदय ने क्या कहा, अगर बालक से कहा जाए कि बेटा बेटा जाओ चश्मा लेकर आओ, अब चश्मा शब्द जैसे ही पिताजी ने बोला कि बेटा जाओ मम्मी के पास चश्मा लेकर आओ, अब बेटा पिताजी का शब्दों का अनुकरण करते हुए वो थोड़ा बहुत उसको ज्ञान है, वो माता के पास जाता है, माँ के पास जाओ तो वो जाता है, यानी उसने अनुकरण किया, राइट, इमिटेशन किया। अब जैसे ही माँ ने चश्मा दे दिया, ऐसी स्थिति में पहले तो बालक चश्मा शब्द से वाकिफ हुआ था, अब चश्मा वस्तु से वाकिफ हो गया, यानी चश्मा शब्द और चश्मा वस्तु का क्या हो गया, साहचर्य हो गया, इसको बोलते हैं एसोसिएशन, राइट, चश्मा शब्द और चश्मा वस्तु का वहां पे क्या हो गया, साहचर्य हो गया। तो ये दूसरा स्टेप है, और इस तरह से बार बार इस तरह से चश्मा शब्द का इस तरह से बार बार प्रयोग किया जाए, पुनर्बलित किया जाए, दोहराया जाए, तो क्या कहलाया जाएगा, री इन्फोर्समेंट यानी पुनर्बलन मिलेगा उसको, और इस तरह से बालक के भाषा का क्या होगा, विकास होगा। अब देखिए अगर मान लीजिए इन तीनों में एक का चयन करना हो, सर्वाधिक बल किस पे दिया, तो स्किनर महोदय ने मतलब किस मनोवैज्ञानिक ने पुनर्बलन पे सर्वाधिक बल दिया, या स्किनर महोदय ने सर्वाधिक बल किस पे दिया, तो सर्वाधिक बल उन्होंने किस पे दिया था, पुनर्बलन पे, री इन्फोर्समेंट पे, ये भी याद रखिएगा। लेकिन ये तीनों पॉइंट, ये पहला स्टेप है, ये दूसरा स्टेप है, और ये तीसरा स्टेप है, यानी स्किनर महोदय ने इन तीनों शब्दों की चर्चा किया भाषा विकास के क्रम में, ये तीनों शब्द इंपॉर्टेंट है, उपर्युक्त क्या हो जाएगा, सभी। तो कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगा हो तो मित्रों को भी जरूर बताइएगा, और ये व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर आप नोट कर लीजिए, आप 8299-310097। अब आपको ये ज़रूर समझ में आ रहा होगा कि चंद्रा इंस्टीट्यूट क्यों दूसरों से अलग है, और क्यों यहाँ के छात्र सक्सेस हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं। ये कहा जाता है चंद्रा इंस्टीट्यूट के टेबल पे आप बैठ जाओ तो आपको सफलता मिल जाएगी, निश्चित सफलता मिल जाएगी, ऐसा ऐसी चर्चा होनी शुरू हो गई है। तो इसके पीछे रीज़न यही है कि हम लोग परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, त्याग करते हैं, कोशिश करते हैं कि हमारे भाई बहन जो हमसे पढ़ रहे हैं वो किसी भी कीमत पे सफल हो, सक्सेस हो, हमें कुछ भी करना पड़े, कितना भी परिश्रम करना पड़े। ओके गाइस, तो आप ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस के लिए संपर्क कर सकते हैं और अपनी भी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।